नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आपको हमारे मित्र डॉक्टर अफजल जी से मिलवाने जा रहे हैं, जो डॉक्टर होने के साथ साथ गार्डनिंग का भी शौक रखते हैं। इन्होंने अपने टेरेस गार्डन पर केमिकल फ्री वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगा रखे हैं। साथ ही इन्होंने इस बार वाटर मिनरल्स को अपने टेरेस गार्डन पर कंटेनर्स में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आया है। आप ये देख रहे हैं, ये छत के ऊपर ही उगाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे मित्र डॉक्टर अफजल जी से। फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक वाटर मिलन्स की अपडेट देखने वाले हैं। ये देख फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं वाटर मिलन का साइज बहुत ही अच्छा आया है। ये पूरा अपडेट है, देखिए वाटर मिलन्स का। अब जब ये येलो हो जाएगा इसका पार्ट, तो हम इसको राइप कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये स्टॉक है, ये देखिए ऐसी स्टॉक हो जाती है। इसका मतलब ये राइप हो गया है, ये पक गया सो है। ये देखिए, ये येलो आ जाता और ये स्टॉक पूरी ये पूरी ऐसी हो जाती। देखिए वाटर मिलन की सीडलिंग करने, चलिए देखते हैं ये सीड्स की वैरायटी जो है। मैं जब वाटर मिलन हार्वेस्ट करूंगा जब आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, वाटर मिलन के रास्ते आप देख सकते हैं ये पूरी मल्चिंग करे हैं और यहाँ पर सीड्स लगाने के गैप भी रखे हैं, ये देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पंद्रह दिन के बाद ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाटर मिलन के सीडलिंग्स है, ये जर्मिनेट हो चुके हैं वाटर मिलन के सीडलिंग। ये हमने मल्चिंग की थी वाटर मिलन के लिए, सो दैट अनवांटेड प्लांट ग्रो नहीं होने के लिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरे वाटर मिलन के सीड्स हमारे जर्मिनेट हो चुके। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, ये कंटेनर में हमने लगाया था, इसमें भी जर्मिनेट हो चुके हैं। ये नेक्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड्स, सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं वाटर मिलन के। ये हमारा नेक्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर भी वाटर मिलन के सीड्स पूरे जर्मिनेट हो चुके हैं। ये वाटर मिलन के प्लांट्स का अपडेट है, ये 20 डेज के बाद का रिजल्ट है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम मजबूत थ्रेड से इसको भी क्लाइम करने के लिए ये जाल पे, ये नेट पे हम इसको भी हैंग कर चुके हैं। चलिए देखिए, ये पूरा अपडेट बताऊंगा मैं वाटर मिलन के जो भी सीड्स लगाए थे। 20 डेज के बाद का रिजल्ट है। इसमें बहुत ही मैक्सिमम मैं लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया हूँ, जिसके बाद ये प्लांट की ग्रोथ है और ये रिजल्ट है। देखिए, इसमें मैक्सिमम मिनरल न्यूट्रिशन की कोई डिफिशियंसी नहीं है और यहाँ पर अब तक कोई डिजीज का कोई सिम्टम्स भी नहीं आए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक कंटेनर में भी वाटर मिलन लगाया हूँ। ये एक कंटेनर है, ये प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें 3 प्लांट्स है वाटर मिलन के। चलिए इसका भी अपडेट देते रहूंगा मैं। यहाँ पर मैं 3-4 कंटेनर्स में लगाया हूँ, वो भी मैं अपडेट बताते। ये प्लास्टिक की बकेट है जिसके अंदर हम वाटर मिलन की सीडलिंग किए थे। देखिए इसका भी रिजल्ट आफ्टर 20 डेज के बाद, ये रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये बकेट के अंदर जो है गोट मेन्यूर या गोट डंक जो है, यहाँ पर पूरा यही लिक्विड फर्टिलाइजर बना के और यही सॉलिड फॉर्म में दे रहा हूँ मैं, लगाए थे। यहाँ पर भी ग्रोथ इसकी अच्छी है। ये एक लोहे का कंटेनर है, इसमें देखिए देख सकते हैं 34 डेज के बाद का रिजल्ट है। ये वाटर मिलन के प्लांट से देखिए, ये हमारी एक कैरी है, उसके अंदर वाटर मिलन के ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके वाइन्स स्प्रेड हो रहे हैं। अब वाटर मिलन आना स्टार्ट हो गए, जो हमारे कंटेनर्स में लगाए थे और कैरी में लगाए थे। ये देखिए वाटर मिलन, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे वाटर मिलन आना शुरू हो गए यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए। चलिए और मैं, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं ये लार्ज साइज वाटर मिलन यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। और एक बताऊंगा मैं आप, ये वाटर मिलन यहाँ पर भी है, देखिए। चलिए और बताऊंगा मैं यहाँ पर आगे। देखते हैं आप ये कैरी के अंदर, यहाँ पर भी एक वाटर। फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनिक वाटर मिलन की अपडेट देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं मेरे वाटर मिलन, ये देखिए आप, यहाँ पर ये कैरी में छत पे लगाया सो वाटर मिलन है मैं। ये पूरी वजह से मेरे वाटर मिलन के प्लांट जो है जरा जल चुके हैं, ये देखिए, फिर भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये घर पे हम उगाए सो वाटर मिलन है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं वाटर मिलन का साइज बहुत ही अच्छा आया है। ये समर का मंथ है, आप कभी भी मई और जून में मत लगाइए, अप्रैल मई तक मत लगाइए। ये देखिए पूरा का पूरा रिजल्ट। अब इसको कैसा पहचानना फ्रेंड्स, ये पक गया तो यहाँ पर येलो हो जाता और इसकी स्टॉक जो है ये पूरी की पूरी सूख जाती, जिससे पहचान ले सकते। ये सेकेंड कैरी का रिजल्ट है, ये हमारे कंटेनर्स का रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाटर मिलन फॉर्म हुए है, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वाटर मिलन है फ्रेंड्स। ये कंटेनर में देखिए, ये देख सकते हैं आप,
इसका साइज बहुत ही अच्छा आया, अभी ये पका नहीं, राइप नहीं हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आप वाटरमेलन्स का, अब जब ये येलो हो जाएगा इसका पार्ट तो हम इसको राइप कर ले। ये देख सकते हैं ये स्टॉक है, ये देखिए ऐसी स्टॉक हो जाती, इसका मतलब ये राइप हो गया है, ये पक गया सो है। ये देखिए ये येलो आ जाता और ये स्टॉक पूरी ये पूरी ऐसी हो जाती, देखिए ब्राउन कलर में। चलिए वाटरमेलन की लगाने के लिए मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाला हूँ। इसमें एक पार्ट गोट मेन्यूर है, एक पार्ट वर्मी कम्पोस्ट है, एक पार्ट हमारा जो है बेसन है और एक पार्ट गुड़ है। यही दिया हूँ मैं कंटिन्यूस वाटरमेलन की ग्रोथ के लिए। ये देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक्स। देखिए ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, कितने हम वाटरमेलन उगा चुके हैं टेरिस पे। सिर्फ इसका साइज और बड़ा 4 किलो 3 केजी आना बोले तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मेहनत करना पड़ता, और समर सीजन नहीं रहता तो इसमें और बड़ा साइज आता था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।